जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। दोस्तों मैं अभी हूँ अपना सरोना में, सरोना आई ओन डिजिटल, ठीक है, जहाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों ये सरोना में मैं इसलिए आया हूँ, और एक दो वीडियो देख चुका हूँ, रेलवे स्टेशन से सरोना कैसे आते हैं, बस स्टैंड से सरोना कैसे आना है, बहुत कम किराए में उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी दे चुका है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। मैं दोस्तों ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को मैंने देखा है जिनको वापस अपने घर जाना है। कई एरिए से आते हैं ना स्टूडेंट, कोई ज़रूरी नहीं कि सब आसपास से ही आए या बाई ट्रेन आए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बस से आते हैं। तो दोस्तों मैं चलो आपको आगे बताता हूँ। और दोस्तों ये रहा मेरा गाड़ी, देखो सामने ऑटो, ये मेरा ऑटो भाई, मेरी लक्ष्मी, मेरी ज्योति रुकी है ना, ये देख रहे हैं आप, है ना। मैं इसी से आया था वीडियो बनाने खास आप लोगों के लिए, और यहाँ से मैं आपको वीडियो बना करके पूरा डिटेल दिखाऊंगा कि आपको कैसे कहाँ जाने के लिए कहाँ से गाड़ी पकड़ना चाहिए ताकि आपका समय पैसा दोनों बच सके, है ना दोस्तों। चलिए अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और गाड़ी को भी स्टार्ट करता हूँ, आगे मैं बात करता हूँ आपसे कि आपको कहाँ जाने के लिए कहाँ से गाड़ी पकड़ना चाहिए ताकि आपको पैसा और समय दोनों बचे। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं मेन रोड की ओर, यहाँ से मेन रोड मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर होगा जो नेशनल हाईवे में जाके मिलता है, है ना। नेशनल हाईवे तक अपने को यहाँ से जाना है, आप चाहें तो या तो पैदल जा सकते हैं या तो आप 10 रुपये दे करके किसी भी ऑटो में मेन रोड तक जा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको भिलाई, द्रुप, नानगांव, बिलासपुर, शिमगा, धमदा, बेमेतरा, कवर्धा, गंडई इस ओर जाना हो, चाहे नागपुर हो, यदि इस रोड की ओर जाना हो तो आप बस स्टैंड कतई ना जाए, क्योंकि जो गाड़ियां हैं आपको यही इसी जगह पे जहां पे मैं बताऊंगा आपको आगे वीडियो में, वहीं से आपको गाड़ियां मिल जाएंगी। आपके पास आकर के गाड़ियां खड़ी होगी, आपको हाथ देना है, उस रोड की जो गाड़ियां जाती है वो हाथ देंगे, आप वहीं से गाड़ी बैठ जाएंगे तो आपका समय और पैसा दोनों बचेगा, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार की रायपुर में जानकारी चाहिए, चाहे सामान हो, पार्ट्स हो, या बुक्स वगैरह हो, या फैंसी सामान हो, या इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चलो दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपको ले करके चलता हूँ नेशनल हाईवे के पास, और आपको मैं दिखाता हूँ ऑन वीडियो रिकॉर्ड करके कि वहाँ से आपको जिस रूट की मैंने बसें बताई वो सामने से ही गुजरती है। मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा, आइए अब आगे बढ़ते हैं। बस दोस्तों, बस थोड़ी ही देर में देखते हैं, आधा किलोमीटर नहीं है, नेशनल हाईवे रोड दिख रहा है, सिग्नल दिख रहा है ना। मैं आपको वहाँ पहुँचता हूँ और बाकायदा रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाता हूँ कि बसें यहाँ से गुजर रही है, जो जिस रूट की मैंने आपको बसें बताई है, आपको बसें यहीं से मिलेंगी। आइए अब सिग्नल के पास चलता हूँ, मैं गाड़ी रोक करके आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों ये देख रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं नेशनल हाईवे पे और इस सिग्नल पे मैं खड़ा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए, है ना। ये देखो जो बसें हैं, ये बसें जो हैं, जो जो मैंने आपको रोड बताया है उस गाड़ियाँ यहीं से गुजर रही हैं, है ना। तो दोस्तों यदि आपको हर गाड़ियों में बोर्ड लिखा रहता है किस रूट की गाड़ियाँ हैं, जैसे भिलाई दूर नानगांव, ऐसा बेमेतरा गाड़ी में बेमेतरा, धमदा कवर्धा गाड़ी में कवर्धा, बिलासपुर गाड़ी में बिलासपुर, सब अपना अपना बोर्ड रहता है, है ना। तो आप गाड़ी का बोर्ड देख करके हाथ मारिए, जिस ओर जाना आप, गाड़ी रुकेगी, आप बैठे उसमें और आराम से जाइए अपने जगह तक, ठीक है दोस्तों। देखिए कंटिन्यू गाड़ियाँ, 2-3 गाड़ियाँ निकल गई, मैं आपको और गाड़ियाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप खड़े रहेंगे, गाड़ी आएगा ना, तो 2-5 मिनट खड़ा रहना पड़ेगा। तो आप घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि गाड़ियों का टाइम होता है, कोई गाड़ी 10 मिनट में आती है, कोई गाड़ी 15 मिनट में आती है, हर 15 मिनट के गैप में कोई आधे घंटे गैप में आती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे खड़े होकर के जहाँ आपको जाना है
वहाँ से आप यहाँ से बैठ जाइए गाड़ी और जाइए। देखिए अभी सिग्नल रुका हुआ है और गाड़ी आने पर मैं आपको दिखाता हूँ बाकायदा रिकॉर्डिंग करके, ताकि आपको किसी प्रकार का भ्रम ना रहे या आपको गलतफहमी ना हो। देखो दोस्तों सिग्नल खुल गया, देखिए बसें जा रही हैं, देखिए एक दो तो स्कूल बस थी, ये देखो बसें जा रही हैं, ये देख रहे हैं हाँ, एक के पीछे के यहाँ पे कंटिन्यू गाड़ियाँ जाती रहती है हर रूट की अलग अलग। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।